बहुत अच्छा कैमियो है और रोल के बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वो एक सरप्राइज एलिमेंट है वहाँ पर जो सिनेमा में ही दिखेगा. थैंक यू. थैंक यू. Anybody? Yeah. देखो दरवाजे हमें तब भी खटखटाने पड़ेंगे, लेकिन ये है कि एक लोगों की इंटरप्रिटेशन होती है या लोगों का एक परसेप्शन होता है कि आप टेलीविजन कर रहे हो तो आप शायद फिल्म में फिट ना हो. ये एक होता है, इट्स द प्रूवन, मतलब दैट्स हाउ इट इज़ एंड इट्स, मुझे बड़ा वो खलता है. वी हैव फेस्ड इट एक्चुअली, या यू नो वी गो थ्रू इट अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड इट रियली. और जब ऐसी कोई चीज़ें होती है ना तो मेरा मन और करता है कि मैं कैसे इसे फाइट करूँ. So खटखटाना, मतलब खटखटाना मुझे I don't mind. Even after this I'll go to the same people and say, you know what, here's my body of work, here's more, जब तक कि वो लोग ना बोले कि यार you know what, this guy is it. So knocking will always be there, it'll never stop. Do you somehow feel incomplete not doing films, or that was that the reason why you are trying films now? Not at all. मैंने मतलब ऐसे रोल्स किए, मुझे तो रोल से मतलब है, रोल अच्छा होना चाहिए. जैसे सलील ने बहुत अच्छी तरह कहा कि फिल्म्स करना, इसी everybody wants to be part of a 70mm, you know, and of course it's a dream यार. मतलब ड्रीम को मैं तो इनफैक्ट ये कहता हूँ कि ड्रीम तो बड़ा है ही, लेकिन जो ड्रीम पूरा करता है वो उससे भी बड़े होते हैं. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया to be part of this. So I mean, of course I'll come to that. I keep jumping on questions. Yeah, but yeah, what was the question? I forgot. Nothing, that you're very happy to be part of cinema. But he's saying, but is it because you felt incomplete? Is that why you wanted to do it? No. It's again, आप first standard से second, second से third हो. मतलब it's a progression. तो वैसे ही progression है. Incomplete कोई नहीं होता. अगर ये film ना भी होना तो भी मुझे ऐसे roles मिल रहे हैं, मैं उसे roles मुझे satisfaction मिलती है. Film एक ऐसा है कि आपको एक बड़े पर्दे पर आपको काम करने का मौका मिलता है. So it's even more interesting and intriguing.